वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट काजल गुप्ता। आज हम देख रहे हैं आप ढोकला बनाने वाले हैं, कमन ढोकला। ये मार्केट का कमन ढोकला है, इजी बेटर है पूरा। हमें इसे मिक्स करना है ओनली वन पानी से। देखिए हम मार्केट के ढोकले को किस तरीके से बना सकते हैं। और प्लीज़ आप एक्सपायरी पहले चेक कर लीजिए, और वैसे तो सारे रूल्स स्टेप बाई स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देख कर बनाने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो पहले मैं इस पैकेट को ओपन करूंगी। आपके सामने ही मैं पैकेट ओपन कर रही हूं, और इस पैकेट में कुछ ये बेसन की तरह बैटर निकलेगा। मैं बाउल लूंगी, बाउल में मुझे अपनी अकॉर्डिंग जितना बनाना है मैं इतना लूंगी। वैसे ये बैटर जितना है उसमें हमारा 500 ग्राम पानी जाएगा, ml 500 ml पानी जाएगा। ये मैंने इतना बैटर लिया है। इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ एक बॉटर ऐड करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। ये मैंने इसमें हाफ ले लिया है, तो इसमें मैं 300 ml वाटर ऐड करूँगी। बस ये 300 ml का है, इसमें मैं इस पानी को ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा भी आप एक अंदाज ले सकते हैं, ना आपको इसे ज़्यादा पतला रखना है ना थिक। मैं आपको कंसिस्टेंसी करके दिखाती हूँ कि किस कंसिस्टेंसी में आपको रखना है इसे। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसे जिस साइड मिक्स कर रहे हैं उसी साइड मिक्स करेंगे। ये नहीं कि एक बार आपने ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, आप इसे इसी एक ही साइड आप इसे मूव करेंगे इस तरीके से। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको जैसे कि पहले बोला था, ये मेरा 300 ml का ग्लास है। ये इतना थिक हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा वाटर और हम ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं मैंने पूरा इसमें वाटर ऐड कर दिया है। ये एक ग्लास वाटर मुझे अंदाज है, इसलिए मैंने इसमें इस तरीके से लिया हुआ है। लेकिन आप इसे बैटर को मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जब तक हम प्रीहीट के लिए, आपके पास ढोकले का कुकर है या फिर कुकर नहीं है तो आप कढ़ाई में या फिर किसी भी भगोने में पतीले में इसे बना सकते हैं। उसे हम पानी डालकर प्रीहीट के लिए रख देंगे, जितनी देर इसे हम रेस्ट के लिए रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। देख रहे हैं हमारा ढोकला एकदम से इस ऊपर फ्लपी हो रहा है। हमने ये हाफ बाउल लिया था और ये कम्प्लीटली फुल हो चुका है। आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं मेरा बैटर रेडी है। इस तरीके से आपको इतना थिक लेना है इसे। अगर आपको पानी का मेज़रमेंट के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको इतना थिक इसे लेना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको बैटर को। अब मैं इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रखूँगी। ये आप देख रहे हैं हमारा ये इतना फ्लफी हो रहा है कि ये बाउल में हो गया। अब मैं इसमें ये मैंने प्लेट ली हुई है, इस पर मैं ऑयल लगा दूंगी इस तरीके से, मैं कंप्लीट पर। और फिर इसमें मैं इसे ऐड कर दूंगी। ये हमने ऑयल लगा दिया है साइड से, कंप्लीट प्लेट पर हमें ऑयल ऐड लगाना है अच्छे से। देख रहे हैं आप मैंने कितने अच्छे से लगा दिया है। इसी के साथ ही साथ मैं अब इसे पैन में डालूंगी, और हमने प्री हीट के लिए अपनी कढ़ाई को साइड में रखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, मैं इसे मिक्स करते हुए इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसे अपने पतीले में चढ़ा देंगे। ये मैंने कहा मैं इसे अच्छे से टैप करूंगी, इसे हमें अच्छे से टैप करना है, फिर हम इसे जो हमने प्री हीट के लिए बर्तन रखा है उसमें हम इसे रख देंगे इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं हमारा पतीला प्री हीट हो गया है, और ये रेस्ट के से 5 मिनट हो गए हैं, 5 to 7 मिनट। अब मैं इसको कमन ढोकले को इसके अंदर रख दूंगी, और इसको हम 10 to 20 मिनट के लिए इस मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। जब तक चलिए हम साइड से इसका छौंक रेडी करते हैं। इसका छौंक रेडी करेंगे, मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, हम सिलो पे इसको सिलो करेंगे। सिलो करके हम इसको घी में छौंक लगाएंगे, इसका घी में ही टेस्ट अच्छा आता है।
मैंने इसमें थोड़ा सा घी लिया है और इसी के साथ साथ मैंने ये राई, मिर्च एंड शुगर, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ रेडी करके रखी हुई हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, अब हम इसमें राई को ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने कड़ी पत्ते को अवॉइड किया है। मुझे कोरिएंडर लीव्स पसंद है तो इसीलिए मैंने कोरिएंडर लीव्स को साइड में रखा हुआ है। और फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद है तो आप कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हैं। उठाइए है, हम इसका हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली मैंने ऐड की है, साथ ही साथ इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। हम इसमें वन टू हाफ टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी इसमें गरम चिली। इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। फिर हम स्लोली स्लोली जब भी अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाएगी हम इसमें वाटर और ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा वाटर क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा वाटर बना सकते हैं, अगर कम में चाहिए तो आप कम ले सकते हैं। किसी को एकदम वाटर पानी स्पंजी एकदम होना चाहिए तो हम ज़्यादा वाटर ऐड कर सकते हैं। इतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि हमारा पानी वेस्ट जाए। किया इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू माई डोसा। मैंने इतना पानी लिया है इसमें। अब इसे बॉईल होने देंगे 2 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं हमारा ये ढोकला रेडी हो गया है। अब हम इसमें अब देख सकते हैं हमारा ढोकला निकल गया है, कितना स्पंजी है। और एक साइड हमारी पानी में भी बॉईल आ चुकी है, इसको हम बस 1 मिनट और बॉईल करेंगे। फिर हम इस तब तक इस ढोकले को हम पीसेस करते हैं और इसमें वाटर ऐड कर देंगे। पीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी है, एकदम सॉफ्ट। वन साइड हमारा ये पानी भी रेडी हो गया है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। एकदम गर्म पानी आपको नहीं मिलाना है इसमें। आप देख सकते हैं मेरा ढोकला कितना स्पंजी एकदम जालीदार बना हुआ है। ये मैं आपको इसे उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम जालीदार, एकदम अच्छे से देखिए स्पंजी बना एकदम। आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।